नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान में कूचामन जिले के पर्वत सर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी दौरे के दौरान बड़ा हादसा टल गया। अमित शाह का रथ बिजली की लाइन से छू गया, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पर्वत सर के डांगकोली मोहल्ले में अमित शाह के जिस रथ पर सवार थे वह बिजली के LT लाइन से टच हो गया, इससे तार स्पार्क होकर टूट गया। यह देखकर काफिले में शामिल पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और वहां हड़कंप मच गया। इसके बाद अमित शाह को रथ से उतारकर दूसरे वाहन से समा स्थल तक ले जाया गया। दरअसल अमित शाह मंगलवार की दोपहर नागौर पहुंचे थे। यहां अमित शाह की 4 जनसभाएं और 1 चौपाल सभा थी। अपने दौरे के दौरान अमित शाह BJP के रथ में सवार थे। वह बिदियाद में चौपाल सभा का पर्वत सर आ रहे थे। इस दौरान पर्वत सर के डांगकोली मोहल्ले में BJP का रथ बिजली के तारों को छू गया। बता दें कि रथ से छूने के बाद LT लाइन का तार स्पार्क कर टूट गया, लेकिन तब तक रथ आगे निकल गया था। वहीं तार में स्पार्किंग और उसे टूटते देखकर रथ के पीछे चल रहे काफिले के वाहनों को रोक दिया गया। गृह मंत्री के काफिले में शामिल पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को जैसे ही घटना का पता चला तो उनमें हड़कंप मच गया। रथ को रुकवाया गया और अमित शाह को रथ से उतारकर उनको दूसरे वाहन में बिठाकर ले जाया गया।